करी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हैं वो बहुत ही सेवा भाव से आए हैं और खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर कि हर महीने मतलब हम एक कैंप लगाएंगे जिससे कि लोगों को इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े। दूसरी बात मुझे ये अच्छी लग रही है कि इस मोहल्ला क्लिनिक जो ये ऑर्गेनाइज कराई गई है उसमें सबको पर्चे के साथ दवाओं का नाम भी मिल रहा है, तो जो रजिस्टर्ड पर्चा है उसमें ये लोग बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जा करके, मान्यता प्राप्त अस्पताल में जा करके अपनी दवाएं ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि नर सेवा से ही नारायण सेवा होती है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सादिक सर, ये आज आपने मेडिकल चेकअप शिविर लगाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो झुग्गी झोपड़ी जो स्लम एरिया बोलते हैं इसे, शहर के बीच है और इतने बुरे हालात हैं इन लोग के साथ, तो इनके साथ मैंने कई हफ्तों से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए हमें लगा कि यहाँ पे मेडिकल कैंप का एक प्रोग्राम करते हैं। जो बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके लिए दवाइयाँ, विटामिन सी, मतलब सारे तरह के विटामिन्स और मेडिसिन्स, उनका चेकअप, प्रॉपर चेकअप करवाऊँ।